तो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, अगर आपके पास कोई भी ऐसी बाइक है जिसके अंदर डिस्क है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे पास अपाचे है और इसके अंदर डिस्क ब्रेक है फ्रंट और रियर के अंदर, तो आप चाहते हो अपनी बाइक के अंदर एक्स्ट्रा सेफ्टी, तो आपके पास एक ये गैजेट होना चाहिए। ये एक सिक्योरिटी लॉक है और इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले ही बना रखी है, वो चैनल पर डली हुई है। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे इस डिस्क लॉक के बारे में। ये आपको इजीली 200 रुपए 250 रुपए के आसपास मिल जाएगा। मेरे को ये ऑफलाइन मार्केट 250 रुपए का मिला है, अमेजोन पर ये 200 रुपए में अवेलेबल है। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जरूर खरीदना, मस्ट बाय है, ये आपको खरीदना ही चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले करता हूं अनबॉक्स और कैसे लगाना है और कैसे इसे रखना है, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूं आगे वीडियो के अंदर, तो बने रहो। ये वो प्रोडक्ट है, पोश रेसिंग प्रोजेक्ट करके है, मतलब अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। तो इसका मेन पर्पस है कि ये डिस्क जो प्लेट रोटर होता है उसके अंदर ही लग जाता है और वहां पर उसे लॉक करता है, चलने नहीं देता, रोटेट नहीं होने देता। तो अनबॉक्स करके दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। टोटल आपको यहाँ पर 3 पीस मिलते हैं, एक ये क्लैंप और ये जिसकी 2 चाबियां। क्लैंप इसलिए होती है कि आप इसे बाइक में किसी भी नट में लगाकर आप इसे यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, कुछ इस तरीके से ये क्लैंप आपकी बाइक में कहीं भी लग जाएगी और ये वहां पर ये स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे जब आपकी बाइक चलेगी तो ये आवाज करने वाला है, कुछ इस टाइप से आपकी बाइक के अंदर आवाज होने वाली है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे कैसे स्टोर करना है। अगर आपके पास TVS अपाचे 160 या फिर 200 है तो आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है इसे स्टोर करने का और आवाज भी नहीं करेगा ये। यहाँ पर देखो 2 चाबियां मिलती हैं। इस लॉक की सबसे खास बात यह है कि इसकी जो चाबी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये देखो कुछ बिल्कुल डिफरेंट चाबी है, तो इसे तोड़ना या फिर इसे टैम्पर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कन्वेंशनल लॉक के मुकाबले, जिनके अंदर हमें नॉर्मल चाबी मिलती है। तो ये टोटल सारा इसका सिस्टम रहने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ ये लगेगा कहाँ, मतलब इसे आपको लगाना कहाँ है। और देखो ये है इसकी डिस्क, इसके अंदर यहाँ पर ये होल बने हुए हैं रोटर के अंदर, ये देख रहे हो। तो आप किसी भी होल के अंदर इसे अलाइन करके, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जस्ट किसी भी होल के अंदर इसे अलाइन करना है और बस इसे यहाँ से पुश कर देना, दैट्स इट, ये लॉक यहाँ पर लग चुका है। अब ये जल्दी से टूटेगा भी नहीं, बाई चांस कोई इसे तोड़ता है हथौड़ा मार के, ईंट मार के कुछ भी, तो आपकी ये डिस्क जो रोटर है ये बेंड हो सकता है, इसकी वजह से ये ऑलरेडी चलने में प्रॉब्लम करेगी। तो ये एक काफी सेफ काफी सिक्योर मेरे हिसाब से लॉक लगता है। और इसे खोलने के लिए आपको जस्ट अपनी बाइक की चाबी के अंदर एक चाबी ये लगानी है और उसे यहाँ पर रखना है, बस ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे इसे यूज करना है, कहाँ पर इसे लगाना है। अब मेन बात आती है कि इसे स्टोर कहाँ करना है, रखना कहाँ है, मतलब इसे अपने 24 घंटे आप अपनी जेब में तो रखोगे नहीं, ठीक है। इसे रखने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैसे तो, मतलब वो जो क्लैंप मिली थी आप किसी भी नट के साथ लगा के उसे यहाँ लगा सकते हो, लेकिन आवाज करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अपाचे वालों के लिए, जिनके पास अपाचे है। आपको जस्ट अपनी ये बाइक की सीट खोलनी है, अब आपको यहाँ पर देखना है कोई ऐसा एरिया जहां पर आप इस क्लैंप को लगा सकते हो। उससे भी बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये सिर्फ TVS अपाचे 164V वालों के लिए है, कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर एक यहाँ पर एक क्लैंप मिलती है, पत्ती मिलती है, ये देखो। और जब मैंने इसे देखा था ना तो मुझे लगा शायद ये इसी लॉक के लिए अपाचे ने लगाई है, मुझे नहीं पता क्या रीजन है। एक होल आपको यहाँ पर भी मिलता है लेकिन यहाँ पर ये लॉक नहीं लगेगा, यहाँ पर परफेक्ट लगता है, ये देख रहा ये जो होल है, मैंने जस्ट इसे यहां पर इसके अलाइन किया, ये लॉक लग गया, देख रहे हो ये यहां पर लग गया। और अब ऐसा भी नहीं है कि भाई सीट नहीं लगेगी, सीट भी प्रॉपर यहां पर लगने वाली है इसके अंदर, मैं देखता हूं, देखो प्रॉपर यहां पर सीट लग चुकी है। अब आपका जो डिस्क लॉक है वो यहां पर स्टोर हो चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहां पर ये देखो ये आवाज भी नहीं कर रहा, तो ये सबसे बेस्ट जगह है TVS अपाचे 164V के अंदर इसे स्टोर करने की, इसे यहाँ पर स्टोर करने की। देखो ये यहाँ पर रखा हुआ है, आपको जस्ट चाबी लगा के सीट खोलनी है, इसे यहाँ से निकालना है और अपनी डिस्क के अंदर लगा देना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इसे यहाँ पर लाना है और ये यहाँ पर प्रॉपर लग जाएगा। तो देखा गाइस आपने कितना इजी है इसे लगाना, और 200 250 रुपए के अंदर आपके पास एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी यहां पर मिल जाती है। और ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। और TVS अपाचे 164V है तो आप इसे वहां पर लगा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के,
बहुत इजीली ये वहां पर लग जाएगा और सीट के नीचे आराम से रख के आप इसे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो और जहां भी आपको जरूरत लगे वहां पर आप इसे निकाल कर लगा दो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और कंटेंट लाने की। एक और स्पेशल वीडियो आपके लिए आने वाली है, तो चैनल के साथ बने रहो।